मेरी आवाज़ न्यूज 24 लाइव में आपका खैर मकदम है। देगलू नाका ईदगाह कमान के करीब नांदेड़ हैदराबाद रोड पर आज एक दिलखर्श हादसा पेश आया। ट्रक नंबर MH26H5745 ने मोटरसाइकिल सवार नौजवान शाम को रोन डाला। शाम की मौके वारदात पर ही मौत वाक़ हो गई। देगलू नाका टायर बोर्ड पर आए दिन कोई ना कोई हादसा पेश आता है। शहर में बड़े गाड़ियों की आमद की वजह से कई लोगों की जानें भी जा चुकी है, कभी सलीम शेख की तो कभी शाम की। इसका जिम्मेदार कौन? महकमा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बड़े गाड़ियों की आमद पर रोक नहीं लगाई जा रही है। इन हादसों का जिम्मेदार पुलिस प्रशासन है। पुलिस प्रशासन और कितने जाने जाने का इंतज़ार करेंगी? आज हादसा रोनुमा होने के बाद मुकामी आवाम ने रास्ते पर बैठकर एहतजाज किया। पुलिस प्रशासन ने मुकामी लोगों से वादा किया कि हम ट्रैफिक महकमे के सभी अहदेदारों से मीटिंग लेकर बड़े गाड़ियों की शहर में आमद पर रोक लगाई जाएंगी और इन पर कार्रवाई की जाएंगी। इस तरह का इतवारा पुलिस के PI अनिल गायकवाड़ ने लोगों को दिलासा दिलाया। गुज़िश्ता रोज़ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला युवा सदर शेख रऊफ जमींदार ने एडिशनल जिला कलेक्टर संतोष पाटिल को एक मेमोरेंडम दिया था, जिसमें पुराने पुल से लेकर शहर में दाखिल हो रहे बड़े गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी लगाए जाने का मुतालबा किया था, लेकिन इस पर अमल आवरी नहीं की गई, जिसकी वजह से आज ये हादसा रोनुमा हुआ। हादसा हुआ है एक्सीडेंट का, वो बहुत दुखद हुआ है, लेकिन कल हम मीटिंग लेके ट्रैफिक अधिकारी, हम स्थानीय पुलिस, महानगर पालिका के कुछ ऑफिसर्स, BNC के कुछ लोग, उनको सब एक इकट्ठा मीटिंग लेके जो आने वाले जो हेवी व्हीकल्स है उसको कैसा बाईपास से डाइवर्स करना है उसके बारे में मीटिंग लेके 2-3 दिन में हम कुछ साइन बोर्ड्स लगा के, कुछ कर्मचारी लगा के हम उसकी हल करने वाले। बच्चा है, उसकी डेट हुई है, उसका कुछ भी नहीं, और जो बड़े वाहन है इनके ऊपर पाबंदी लगाना चाहिए। जिस तरह से आज मैंने भी लेटर दिया इससे पहले SP कमिश्नर सभी, जो घटना बार बार घटना हो रही और जो बड़े वाहन है उसको रात के बाद आना चाहिए, और बार बार डिमांड करने के बाद में पुलिस भी जो कुछ कार्रवाई नहीं करती, और आज जो बच्चों ने ट्रैफिक रोके और बहुत अच्छा करे, और इसके बाद अगर एक्शन नहीं हुआ तो हम खुद रास्ते पर उतरने की तैयारी हमारी बिल्कुल होंगी, और हमारे खुद कार्यकर्ता कानून हाथ में लेंगे। जिस तरह से बड़ी गाड़ियाँ जो भी आई हैं उसको रोक कर और उसको लॉकअप में डालने का काम हमारी जनता करेंगे, अगर पुलिस वाले नहीं करी होती। इसकी जिम्मेदारी पूरी प्रशासन पे जिम्मेदारी है, पुलिस खाते की। जिस तरह से ट्रैफिक में 10 टायर की गाड़ी जो आज पॉइंट लगे आला है बोले बापना पे पॉइंट ट्रैफिक का है, पुलिस वाले वहाँ भी है और यहाँ भी पुलिस वाले है, तो पुलिस वाले रह के कर रहे क्या? हाँ, पुलिस वालों के इसमें आज अभी पॉइंट लगे आला है ना वाजे पे, और बापना पॉइंट पे ट्रैफिक का पॉइंट है, तो उसके बाद में भी 10 टायर की गाड़ी आती है और बच्चे की घटना होती है तो पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? जान गई है, और हमने 2 दिन पहले ही कलेक्टर साहब को निवेदन दिया है और पुलिस प्रशासन को भी निवेदन दिया है कि साहब जितने हेवी ट्रक्स है नांदेड़ शहर में दाखिल ना होने दीजिए, उस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। और आज भी कई पहले भी कई लोगों की जान जा चुकी है और आज भी एक गरीब लड़के की जान जा चुकी है पुलिस प्रशासन की कायली की वजह से। सोंडारे साहब जो है उनके लिए भी हम वजीराबाद पुलिस स्टेशन में 2 दिन पहले 2 घंटे बैठे, लेकिन उन्होंने भी हमारे को टाइम नहीं दिया, ना वो फोन उठाने के लिए तैयार है। उनकी कायली की वजह से, सोंडारे साहब की कायली की वजह से आज और एक लड़के की जान गई। हमारी SP साहब से गुजारिश है कि ये देगलू नाके से माल टिकड़ी तक जो 2 साइड में जो ट्रक लगे हुए ये ट्रक निकाला जाए, ये खाली ट्रक है भाई, किस वजह से ये कर रहे हैं? इसमें ट्रैफिक को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरकत कॉम्प्लेक्स से अंडर ब्रिज तक जो ट्रक लगे हुए 2 साइड में, बाफना पे जो ट्रक लगे हुए 2 साइड पे, पुलिस प्रशासन क्यों नहीं हटाता भाई? क्या राज है ये? पुलिस का क्या राज है? हम अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नाका चौरस्ते पे 8 दिन के अंदर अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो पुलिस प्रशासन से, कलेक्टर साहब से हमारी अदबन गुजारिश है कि साहब इस पे कार्रवाई करो, कहीं बेगुनाह लोगों की जान जा रही है। अगर आप कार्रवाई नहीं करते हो तो मजबूरन हमारे आंदोलन करना पड़ेगा, इसमें जो भी नुकसान होगा ये पुलिस प्रशासन जिम्मेदार।